हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज दैट द डायग्राम शोज अ डिश एंटीना व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव टेलीविजन सिग्नल फ्रॉम अ सैटेलाइट। द एंटीना इज फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ द कर्व्ड डिश। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिश। सेकंड वन, शुड इट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। थर्ड वन, वेयर शुड द एंटीना बी पोजिशन टू रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल। एंड फोर्थ वन, एक्सप्लेन व्हाट चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन द सिग्नल इफ द लार्जर डिश वॉज यूज। ओके, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक डिश लगा हुआ है और यहाँ पे एक एंटीना लगी हुई रहती है और सैटेलाइट से सिग्नल आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, सैटेलाइट से सिग्नल आएगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ द डिश इज टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल, लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। ओके, सेकेंड वन की बात करते हैं। तो सेकेंड वन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस तरह का मिरर है। तो हमें पता है कि इस तरह का इसमें रिफ्लेक्टिव पार्ट जो रहता है वो क्या है, कर्व है। इसका मतलब कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। थर्ड वन की बात करते हैं। तो थर्ड वन में क्या पूछ रहा है, थर्ड वन में वेयर शुड द एंटीना बी पोजिशन टू रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। हमें पता है कि अगर कॉनकेव मिरर है, अगर इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो यहाँ पे कहाँ पे इमेज बनता है, ये बनता है फोकस पे। ठीक है, इसका मतलब कि एंटीना को बेस्ट वे में अगर उसको यूटिलाइज करना है तो उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा फोकस पे। ठीक है, और ये डी पार्ट बोल रहा है कि क्या चेंज होगा अगर हम लोग लार्जर डिस का यूज करेंगे, तो इसके वजह से स्ट्रॉन्गर सिग्नल। ठीक है, स्ट्रॉन्गर क्योंकि ज्यादा ज्यादा सिग्नल आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आएगा, तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल विल रिसीव सिग्नल विल रिसीव। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।